वेलकम टू माई चैनल। मेरा नाम विक्रम है। जिसके बाद आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ कस्टम रॉम के बारे में, जो कि यहाँ पे पोको एक्स थ्री में, तो यहाँ पे देख सकते हो डिवाइस आता है पोको एक्स थ्री। और यहाँ पे मैं बात करने वाला हूँ जो कि वन ओएस के बारे में, जो कि यहाँ पे रिसेंटली आपको यहाँ पे न्यू बिल्ड का अपडेट मिल चुका है, जो कि एंड्रॉइड 11 मिल जाता है। उसके बाद 1 जुलाई का आपको यहाँ पे सिक्योरिटी पैच मिल जाता है। तो यहाँ पे मैं इस रॉम के बारे में बात करने वाला हूँ, इस रॉम का परफॉर्मेंस कैसा है, बैटरी बैकअप कैसा है, और यहाँ पे गेमिंग के मामले में रॉम कैसा है, सभी के बारे में इस वीडियो में बात करने वाला हूँ। तो यहाँ पे मैं वीडियो को स्टार्ट कर लूँ, जो कि यहाँ पे एंड्रॉइड बेंचमार्क स्कोर से, इसके अंदर आपको यहाँ पे एंड्रॉइड बेंचमार्क स्कोर देखने को मिलेगा, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हो अनऑफ ओके। तो यहाँ पे देख सकते हो एंड्रॉइड बेंचमार्क स्कोर जो कि 282,000, जो कि कंपेरिजन वाइज MIUI आपको यहाँ पे स्कोर जो है सेम देखने को मिल सकता है। और उसके बाद यहाँ पे कैमरा टू API एनेबल होने के कारण आप यहाँ पे गूगल कैमरा भी इंस्टॉल करके यूज़ कर सकते हो, जो कि यहाँ पे नाइट साइड, उसके बाद यहाँ पे पोर्ट्रेट और यहाँ पे कैमरा वीडियो जो है 1080 पिक्सल, उसके बाद 4K 30 FPS में आप यहाँ पे रिकॉर्ड कर सकते हो, जो कि यहाँ पे आपको सपोर्ट मिल जाता है। और यहाँ पे मोर में पैनोरमा फोटोस्केप लेंस का सपोर्ट मिल जाता है। और यहाँ पे आपको जो है स्टॉक कैमरा मिल जाता है, जो कि यहाँ पे MIUI कैमरा, जो कि वर्किंग आपको यहाँ पे मिल जाता है, जो कि माइक्रो मोड, उसके बाद यहाँ पे आपको जो है मिल जाता है, जो कि देख सकते हैं यहाँ पे अल्ट्रा वाइड एंगल, उसके बाद यहाँ पे आपको पोर्ट्रेट वर्किंग है, वीडियो वर्किंग है, प्रोमोड वर्किंग है, उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो 64 मेगापिक्सल लेंस, उसके बाद यहाँ पे शॉर्ट वीडियो, पैनोरामा और डॉक्यूमेंट्स, उसके बाद ब्लॉग, उसके बाद स्लो मोशन, उसके बाद टाइम लैप्स, उसके बाद ड्यूल वीडियो, उसके बाद AI वाटरमार्क लॉन्ग एक्सपोजर, उसके बाद क्लोन का सपोर्ट मिल जाता है। तो यहाँ पे MI कैमरा जो आपको यहाँ पे स्टॉक के बारे में मिलता है, वही आपको यहाँ पे मिल जाता है, जो कि सभी कुछ वर्किंग है, आपको यहाँ पे कोई प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगा कैमरा में। और उसके बाद यहाँ पे कॉलिंग ऐप जो कि यहाँ पे MI का मिल जाता है, जो कि अगर आपको यहाँ पे गूगल का पसंद नहीं है तो बेशक आप रॉम के साथ जा सकते हो, जो कि यहाँ पे कॉलिंग ऐप, उसके बाद यहाँ पे मैसेजेस, दोनों यहाँ पे MI का मिल जाता है, जो कि यहाँ पे कॉलिंग ऐप में ऑटोमेटिक कॉल रिकॉर्डर का भी सपोर्ट मिल जाता है। और उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो, जो कि यहाँ पे मैं पबजी के बारे में भी बात कर लेता हूँ, उससे पहले यहाँ पे मैं कस्टमाइजेशन की बात कर लेता हूँ। यहाँ पे ड्यूल 4G OLTE बेशक यहाँ पे वर्किंग है, वाईफाई हॉटस्पॉट्स ब्लूटूथ तीनों यहाँ पे वर्किंग है, वॉलपेपर एंड पर्सनलाइजेशन में आपको यहाँ सपोर्ट मिल जाता है, जो कि यहाँ पे क्लॉक चेंज कर सकते हो, उसके बाद यहाँ पे आप आइकॉन चेंज, जो कि यहाँ पे साइज चेंज कर सकते हो, स्टाइल भी चेंज कर सकते हो, फाउंट चेंज कर सकते हो, आपको यहाँ पे मिल जाता है। उसके बाद वॉलपेपर्स देख सकते हो, जो कि यहाँ पे सुपर वॉलपेपर्स का सपोर्ट मिल जाता है, और मोर यहाँ पे सिस्टम वॉलपेपर्स में आपको यहाँ पे 1 UI का आपको यहाँ पे वॉलपेपर्स मिल जाता है, जो कि यहाँ पे बहुत सारे आपको मिल जाता है। ओके 100 मिलियन पिक्सल्स, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हो 100 मिलियन पिक्सल टू शॉट दी अर्थ, ओके यहाँ पे 100 मिलियन पिक्सल्स के आपको यहाँ पे जो है फोटोज मिल जाता है। उसके बाद यहाँ पे रिंगटोन नोटिफिकेशन अलार्म का सपोर्ट मिल जाता है। और यहाँ पे आप देख सकते हो, जो कि यहाँ पे वॉलपेपर्स हो चुका है कंप्लीट। उसके बाद यहाँ पे लॉक स्क्रीन, जो कि यहाँ पे स्लिप टाइम, राइज टू वेक, उसके बाद डबल टैप टू वेक, उसके बाद यहाँ पे सेम फ्यूचर्स है एज MIUI। और यहाँ पे चार्जिंग एनिमेशन आप चेंज कर सकते हो, फ्लो ग्लो वेव, पॉकेट मोड का सपोर्ट मिल जाता है। उसके बाद डिस्प्ले के अंदर आपको यहाँ पे लाइट मोड, डार्क मोड का सपोर्ट मिल जाता है। उसके बाद यहाँ पे ब्राइटनेस लेवल, रीडिंग मोड का सपोर्ट मिल जाता है, जो कि यहाँ पे देख सकते हो रीडिंग मोड का सपोर्ट मिल जाता है, जो कि यहाँ पे ब्लू लाइट को डिसेबल करके आप अपने आँखों के यहाँ पे आप बचा सकते हो ब्लू लाइट से। ऑटोमेटिक यहाँ पे आपको कलर स्क्रीन मिल जाता है, जो कि यहाँ पे सैचुरेटेड, उसके बाद यहाँ पे आप स्टैंडर्ड रख सकते हो। और उसके बाद यहाँ पे रिफ्रेशमेंट रेट देख सकते हो 120Hz 60Hz का आपको यहाँ पे सपोर्ट मिल जाता है, जो कि यहाँ पे आपको मिल जाता है। उसके बाद फाउंट सेटिंग, और यहाँ पे विंड डिवाइस इन वी अप फुल स्क्रीन मोड, उसके बाद यहाँ पे ऑटो रोटेशन आप यहाँ पे ऑप्शंस मिल जाता है। और यहाँ पे देख सकते हो साउंड एंड वाइब्रेट नोटिफिकेशन एंड कंट्रोल सेंटर, जो कि यहाँ पे आप कंट्रोल सेंटर चेंज करना है तो कंट्रोल सेंटर चेंज कर सकते हो। और यहाँ पे आपको नेक्स्ट मिल जाता है, जो कि देख सकते हो स्मार्ट होम का आपको यहाँ पे जो कि सपोर्ट मिल जाता है, लेकिन अब वर्किंग नहीं है। उसके बाद नोटिफिकेशन एंड कंट्रोल सेंटर में आपको यहाँ पे कंट्रोल सेंटर चेंज करने का ऑप्शन मिल जाता है, जो कि न्यू ओल्ड वर्जन आप चेंज कर सकते हो। और यहाँ पे आपको मिल जाता है जो कि स्टेटस बार में आप यहाँ पे बैटरी आइकॉन को यहाँ पे आप जो है जो कि परसेंटेज को अनेबल कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे आपको 4G को LTE करने का ऑप्शन मिल जाता है, और यहाँ पे आप हाइड नॉच, जो कि नॉच को भी आप हाइड कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे आपको पासवर्ड एंड सिक्योरिटी में फेस अनलॉक और फिंगरप्रिंट दोनों वर्किंग है। प्राइवेसी प्रोटेक्शन का आपको यहाँ पे जो कि एक एक्स्ट्रा आपको यहाँ पे फीचर्स मिल जाता है,
डिवाइस यहाँ पे। इसके अंदर प्राइवेसी का बहुत ही ज़्यादा ध्यान दिया गया है, जो कि आप कौन सा भी एप्लीकेशन आप यहाँ पे ओपन करोगे यहाँ पे विदाउट प्राइवेसी के आप यहाँ पे जो है कोई भी एप्लीकेशन जो है डेटा यूज़ नहीं करेगा, क्योंकि विदाउट परमिशन के कौन सा भी एप्लीकेशन यहाँ पे आपका डेटा यूज़ ही नहीं कर सकता है। आपको यहाँ पे हर बात के लिए परमिशन देना रहता है, तो परमिशन दो उसके बाद यहाँ पे कोई भी एप्लीकेशन आप यूज़ कर सकते हो। और उसके बाद यहाँ पे आपको मिल जाता है बैटरी एंड परफॉर्मेंस, जो कि बैटरी बैकअप बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, जो कि यहाँ पे आपको कंपेरिजन वाइज MIUI यहाँ पे मैं बहुत ज़्यादा ट्राई करता हूँ, उसके बाद ही यहाँ पे आपके लिए वीडियोज़ ला के बताता हूँ, जो कि यहाँ पे देख सकते हो। स्क्रीन यूसेज जो कि यहाँ पे 2 hours and 51 minutes यहाँ पे मैं ऑलमोस्ट यहाँ पे 3 hours यहाँ पे स्क्रीन यूसेज है। उसके बाद यहाँ पे PUBG भी मैं बहुत ही ज़्यादा प्ले किया हूँ, जो कि यहाँ पे टेस्ट करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद यहाँ पे मैं वीडियो ला के बनाता हूँ। उसके बाद यहाँ पे ऐप्स में जो यहाँ पे मैनेज ऐप, ड्यूअल ऐप, आपको यहाँ पे ऐप लॉकर का भी सपोर्ट मिल जाता है। एडिशनल फीचर्स देख सकते हो, जो कि यहाँ पे एडिशनल सेटिंग्स में यहाँ पे आपको मिल जाता है, जो कि देख सकते हो सेम। और यहाँ पे मेमोरी आपको यहाँ पे मिल जाता है, जो कि यहाँ पे एक्सटेंशंस जो कि यहाँ पे आप देख सकते हो इस पर अनेबल कर सकते हो। यहाँ पे डिवाइस रिबूट होगा, जो कि ऐड 4 GB ऑफ रैम बाय अकोपाइंग जो कि यहाँ पे स्टोरेज। यूज़ दिस फ्यूचर ओनली व्हेन देयर इज इनफ स्टोरेज अवेलेबल इन योर फ़ोन, जो कि यहाँ पे आप जो है मेमोरी को एक्सटेंशन कर सकते हो, जो कि यहाँ पे आपका जो 4 GB रैम है यहाँ पे आप जो है यहाँ पे स्टोरेज से यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। आई थिंक मुझे नहीं लगता है वर्क होगा, लेकिन आप ट्राई कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे आपको मिल जाता है, जो कि देख सकते हो स्पेशल फ्यूचर, जो कि यहाँ पे गेम टर्बो वीडियो टूल बॉक्स फ्लोटिंग विंडो सेकेंड स्पेस MIUI फ्लाइट मोड। उसके बाद यहाँ पे स्क्रीन टाइम का भी सपोर्ट मिल जाता है, जो कि डिजिटल वेलबींग के बदले यहाँ पे 1 UI का आपको यहाँ पे एक्स्ट्रा कस्टमाइजेशन मिल जाता है, जो कि डिसेबल लो बैटरी डायलॉग। उसके बाद यहाँ पे नोटिफिकेशन साउंड विथ स्क्रीन ऑन। उसके बाद यहाँ पे आपको मिल जाता है हाइड ब्लूटूथ आइकॉन, हाइड अलार्म आइकॉन। उसके बाद यहाँ पे अदर्स में आपको यहाँ पे मिल जाता है, जो कि यहाँ पे क्लोजिंग फोल्डर ऑटोमेटिकली। उसके बाद यहाँ पे नंबर ऑफ कॉलम्स इन दी फोल्डर, और यहाँ पे जिक्सेस एंड एनिमेशन आपको यहाँ पे मिल जाता है, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हो 3 आपके यहाँ पे जो कि जिक्सेस और एनिमेशन का सपोर्ट मिल जाता है। आइकॉन एंड सिग्नेचर्स आप यहाँ पे देख सकते हो। उसके बाद यहाँ पे आपको स्मार्ट नेटवर्क आपको यहाँ पे मिल जाता है, जो कि यहाँ पे आपको मिल जाता है। आप इसको ऑन करके यहाँ पे आप यूज़ भी कर सकते हो, जो कि यहाँ पे आपको कस्टमाइजेशन बहुत ही सारा मिल जाता है। और यहाँ पे आपको मिल जाता है, जो कि देख सकते हो, ओके ये जो है लॉग है। उसके बाद यहाँ पे आपको मिलता है, जो कि देख सकते हो 1 OS, यहाँ पे स्टेटिस्टिक्स, जो कि यहाँ पे आपको रिपोर्ट्स आप चेक कर सकते हो। उसके बाद जो है अबाउट अस में आप यहाँ पे देख सकते हो, जो कि आपको डेवलपर्स के बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाएगा, जो कि यहाँ पे कंप्लीट रिव्यू बता चुका हूँ, जो कि इस फॉर्म में आपको यहाँ पे क्या क्या मिल जाता है, क्या क्या आपका यहाँ पे चेंज लॉग है, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हो। आपको ओल्ड स्टाइल आप यहाँ पे न्यू स्टाइल भी आप एनेबल कर सकते हो, और यहाँ पे 1 OS बेस आपको यहाँ पे सपोर्ट मिल जाता है, जो कि देख सकते हो 1 OS स्पेस का सपोर्ट मिल जाता है। और यहाँ पे आपको जो है मैं कंप्लीट डिटेल रिव्यू बता चुका हूँ, जो कि इस रॉम में क्या क्या मिल जाता है, और यहाँ पे रॉम को कैसे इंस्टॉल करें उसके ऊपर ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो यहाँ पे मैं कंप्लीट बता चुका हूँ, जो कि आपको क्या क्या मिल जाता है। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक गेम प्ले कर लेता हूँ, जिससे कि आपको पता चल जाएगा गेमिंग के मामले में रॉम कैसा है। तो यहाँ पे मैं एक TDM प्ले कर लेता हूँ। तो यहाँ पे आपको मैं ग्राफिक सेटिंग की बात कर लेते हैं, यहाँ पे देख सकते हो स्मूथ के साथ अल्ट्रा HD के साथ आपके यहाँ पे हाई का सपोर्ट मिल जाता है। तो चलिए गेम प्ले कर लेते हैं। The blue team has scored for the first time. सेटिंग चेंज है। Killing spree for the blue team. The blue team is unstoppable.
तो यहाँ पे देख सकते हो 30 kills and 10 kills and 0 kills। तो यहाँ पे जो है बेशक आप एक अच्छा गेम प्ले कर सकते हो, जो कि यहाँ पे आपको लैग या फ्रेम ड्रॉप्स आपको यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा। यहाँ पे आप जो है हीट भी नहीं होगा आपका डिवाइस, जो कि यहाँ पे आपको एक परफॉर्मेंस स्टॉर्म मिल जाता है। तो यहाँ पे आपको जो है कोई भी यहाँ पे जो कि चेंजेस नहीं है, जो कि स्टॉर्म में आपको यहाँ पे ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का भी सपोर्ट नहीं मिलता है। जो स्टॉक यू यहाँ पे आपको मिलता है उसी की तरह आपको यहाँ पे सेम मिल जाता है, कोई भी आपको यहाँ पे एक्स्ट्रा फ्यूचर्स नहीं है। लेकिन यहाँ पे आपको जो है एमआई के अकॉर्डिंग आप एमआई का मैसेजेस मिल जाता है, आपको यहाँ पे सम फाउंड्स भी मिल जाता है जो कि यहाँ पे चाइनीज़ के, जो कि यहाँ पे आप कह सकते हो जो कि एक चाइनीज़ रोम। तो यहाँ पे आपको ये वीडियो अगर हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर लीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए, जैसे कि यहाँ पे पोको X3 के रिलेटेड बहुत सारे वीडियोज़ बना के बताने वाला हो। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।